गाइस, अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनमें ये जो जालिया है बहुत मुश्किल से खुलता है। अधिकतर बिगेनियर जो नए हैं वो खोलते हैं तो जालिया जो है वो खोलते वक्त प्रिंट उखड़ जाता है। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और मुझे एक बिगेनियर ने कमेंट किया था, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जालियों के ऊपर ये वीडियो है। तो अलग अलग टाइप के जालिया है, जैसे सैमसंग में अलग टाइप के जालिया देखोगे, चाइनीज़ कीपैड में अलग टाइप के जालिया देखोगे। ये जालियाँ हटाने का सिंपल सा एक टेक्निक बताऊंगा। इस टेक्निक को आप फॉलो करोगे तो जो जालियाँ हटा दोगे तो आपको इजी तरीका लगेगा हटाने में। सबसे पहले मैं चाइनीज़ फ़ोन में दिखाता हूँ। अभी इस फ़ोन में देख पा रहे हो इस तरह से स्पेस है, तो ऐसे जालियों आपको चारों तरफ जालियों पे नोटिस करना है, कहीं पे स्पेस जो खाली जगह है कि नहीं है, जहाँ पे आप चिमटी लाइक ऐसे नोज़ प्लास जो है वो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। तो मेरे पास ये नोज़ प्लास है और ये खाली जगह, ये इजी है। हालांकि हार्ड वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, हार्ड वाला जो जाली होता है वो भी निकाल कर बताऊंगा। तो इसको मैं पहले निकाल कर दिखा देता हूँ। तो जब हम इसको इस तरह से मोड़ते हैं ना, तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है जो जालियों के प्रिंट जहाँ पे जॉइंट हो रखा है, शोल्डरिंग हो रखा है, उसको सीधा में लेना है, सीधा जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ। अगर आप तिरछा खींचोगे तो क्या होगा, प्रिंट सहित उखड़ जाएगा। तो देख पा रहे हो मैं जा रहे इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो उस तरफ घुमा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे शोल्डरिंग हो रहा है, शोल्डरिंग के जस्ट प्रेशर पर है, तो शोल्डरिंग के ऊपर ही प्रेशर पर है। अगर आप अपनी तरफ खींचोगे तो क्या प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होने की संभावना रहता है। अभी आप देख पा रहे हो मैंने जिस तरीके से निकाल रहा हूँ, एक भी प्रिंट जो है डैमेज नहीं हुआ जहाँ जहाँ से मैंने निकाला है। उसके बाद में थोड़ा सा हिला डुलाना भी पड़ता है इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हो जाली जो है 1% भी डैमेज नहीं हुआ। हालांकि आपको एक जगह दिख रहा है स्पोर्ट्स का, ये डैमेज टाइप का दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। हालांकि इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है बिगेनियर के लिए, कन्फ्यूज़न ये है कि जब वो ऐसे प्रिंट उखड़ जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं अरे यार मोबाइल तो नुकसान हो गया, टूटे अब सही नहीं होगा। एक्चुअली प्रिंट डैमेज को अच्छी तरह आप देखा करो, प्रिंट डैमेज में हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। ये प्रिंट डैमेज तो हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हो इसका एक भी ट्रैक जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। जो प्रिंट डैमेज हुआ ना वो ओनली ग्राउंड पे है, मतलब जाली जो है शोल्डरिंग वहीं पर ही करके रखता है जहाँ पे ज़्यादातर ग्राउंड पॉइंट हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये प्रिंट डैमेज तो हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पे कुछ था ही नहीं। तो अधिकतर बिगिनर इस चीज़ पे कन्फ्यूज़ रहता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी इसका जो ट्रैक है ना, ट्रैक आपको साफ साफ दिख रहा है, ट्रैक जहाँ पे है वो जगह पूरा सेफ है, और जहाँ पे ट्रैक नहीं है वो जगह पे प्रिंट डैमेज हुआ। अब मैं आपको सैमसंग का फ़ोन में दिखाता हूँ। सैमसंग के फ़ोन में भी देख पा रहे हो इस तरह से स्पेस है, तो इसको भी मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको, ये प्रिंट जो है डैमेज नहीं होगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सैमसंग का तो दिखा दिया। अब इस टाइप के जालियों को देखो, ये राउंड शेप में घुमा हुआ है, इस टाइप के जालियों को खोलने में प्रॉब्लम होता है। आप मोटो के मोबाइल में ज़्यादातर देखोगे ऐसी ऐसी जालियाँ जिसमें तो 1% भी होल्स जो है नहीं है, स्पेस नहीं है, तो चिमटी फंसाना, नोज प्लास फंसाना है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जालियों का भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैं लाइक सीपीयू की जाली हटा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है मोबाइल में जहाँ जिस जाली को आप हटाओगे उस जाली पे 1% भी थोड़ा सा भी हमें जो है स्पेस चाहिए चिमटी या नोज प्लास फंसाने के लिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसके हमें जो ये रैपर है इसको मैं हटाऊंगा। तो इस रैपर को हटाने के बाद में आप देख पा रहे हो सीपीयू है और जो रैम है,
अब ये रैपर में इजी ये है कि रैप स्पेस है ना इसमें चिम, तो इजी तरीका खुल जाएगा। कुछ जालियाँ ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे पैक होते हैं, तो उनमें क्या है चिमटी और आप नोज प्लस फंसा ही नहीं सकते। ऐसे जालियों को आप हीटिंग से, जो चिमटी से, चिमटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए, तो हीटिंग करके ही आप निकाले ऐसे जालियों को, तो उससे क्या आईसी वगैरह डैमेज नहीं होगा। अभी ये जो जालियाँ है, जैसे कि ओप्पो के मोबाइल की जाली खोल रहा हूँ, तो इसमें तो क्या है स्पेस है, तो सीपीयू और रैम में जो है 1% भी जो है ब्रेक होने का चांस नहीं होगा। खोलूँगा इस तरीके से कि डैमेज 1% भी नहीं होगा।